एक दफ़ा का जिक्र है कि गांव में एक गाय रहती थी। वो दूसरे जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करती थी। वो बहुत ईमानदार थी और कभी किसी के साथ धोखा नहीं करती थी। उसके साथ एक छोटा बछड़ा भी था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो गांव से दूर एक जंगल में घास खा रही थी कि वहां से एक शेर का गुजर हुआ। वो शेर बहुत भूखा था और खाने की तलाश में भटक रहा था। शेर की नज़र जब उस मोटी ताज़ी गाय पर पड़ी तो शेर के मुंह में पानी भर आया। तो शेर उसको खाने के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। जब गाय ने शेर को देखा तो वो बहुत डर गई और उससे कहने लगी, बादशाह सलामत, रुकिए, मेरी बात इत्मीनान से सुनिए। मैं पीछे घर में एक छोटा सा बछड़ा छोड़ कर आई हूँ। उसको पैदा हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ, उसे तो घास चरना भी नहीं आता। वो बहुत मासूम है। मैं खाने की तलाश में जब भी निकलती हूँ तो वो बेचारा बेसब्री से मेरा इंतज़ार करता है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने बछड़े को पेट भरकर दूध पिलाकर और ज़िंदगी गुजारने के अदब आदाब सिखाकर आती हूँ, उसके बाद आप मुझे आराम से खा लेना। शेर बोला, अरे वाह, क्या कहानियाँ सुना रही हो तुम, और जाकर वापस आओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं जंगल में रहता हूँ तो मेरे पास दिमाग नहीं है? मैं पागल नहीं हूँ। शेर की बात सुनकर गाय ने कहा, बादशाह सलामत, आप गलत समझ रहे हैं। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरती। हर किसी ने मरना है और मौत हमेशा अचानक ही आती है। जब मैं घास खा रही थी तो आप मेरी तरफ बढ़े। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मेरा टाइम आ गया है और मेरी मौत का वक्त यही है। मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक थी। आप मेरे मासूम बछड़े पर रहम करें, क्योंकि कल से उसने अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है। मैं उसे अच्छे बुरे और दुनिया के बारे में बताकर वापस आती हूँ, साथ ही साथ उसकी भूख दूर करके उसको जी भर कर देख लूँगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊँगी और आप मुझे आराम से खा लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ये सारी बातें गाय ने गिड़गिड़ाते हुए शेर से कही और ये सब सुनकर शेर कहने लगा, देखो, मुझे तो नहीं लगता कि तुम वापस आओगी, लेकिन तुमने मुझसे गिड़गिड़ा कर गुजारिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। देखते हैं कि गांव में रहने वाले जानवरों में कितनी ईमानदारी है। जाओ और जल्दी से वापस आओ। गाय जल्दी जल्दी घर वापस गई, बछड़े को पेट भरकर दूध पिलाया और मोहब्बत भरी निगाहों से देखने लगी और दर्द भरी आवाज़ में कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, अच्छी ज़िंदगी गुजारना और हर किसी से प्यार से पेश आना। कभी किसी को धोखा मत देना, अपनी ज़ुबान पर कायम रहना और झूठ हरगिज़ ना बोलना। यह सब कहकर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर जंगल की जानब बढ़ने लगी। शेर जंगल में गाय का इंतज़ार कर रहा था। वो सोच रहा था कि गाय कभी भी नहीं आएगी और वो उससे झूठ बोलकर भाग गई है। तभी उसने देखा कि गाय उसी की तरफ आ रही है। वो गाय को देखकर दंग रह गया और हैरत भरी आंखों से देखने लगा। वो सोचने लगा, अरे वाह, ये गाय कितनी ईमानदार है, अपनी ज़ुबान के मुताबिक मेरी भूख मिटाने के लिए वापस आ रही है। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये गाय अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आ गई है। ये गाय वाकई में बहुत ईमानदार है। ऐसे ईमानदार गाय को मैं मार दूंगा तो मुझे बहुत गुनाह होगा। शेर ने गाय से कहा, तुम कितने ईमानदार हो, सिर्फ एक वादे की खातिर तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी और मेरी भूख मिटाने के लिए वापस आ गई। इसके बाद भी मैं तुम्हें मार डालूं तो मैं बहुत गुनाहगार हो जाऊंगा। मैंने तुम पर शक किया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी भूख किसी और तरीके से मिटा लूंगा। तुम जाओ और अपने बछड़े के साथ पुरसकून ज़िंदगी गुजारो। यह सब सुनकर गाय खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई और अपने बछड़े के साथ रहने लग गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जितनी भी परेशानी और आजमाइश आ जाए तो कभी झूठ मत बोलो और किसी को धोखा मत दो, क्योंकि सच बोलने वाले की हमेशा जीत होती है।